नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। और आज की 4 बजे की 4 बड़ी खबर कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि बीजेपी आरएसएस का बड़ा दाव है। बता दें कि 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस का समन्वय बैठक चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 दिवसीय दौरे पर भी लखनऊ आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। वहीं दूसरी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पर बुखार से मरीज बेहाल है। लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी खस्ताहाल नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी लापरवाही दिखा रहा है लगातार। और तीसरी खबर आपको बता रहे हैं कि गड्ढों में सड़क, सीएम योगी को लेकर जो भी राजधानी लखनऊ में जहां पर भी सड़कों पर गड्ढे हैं, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है और तुरंत आदेश दिए हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। वहीं चौथी खबर आपको बता दें कि प्रियंका की तैयारी है 2024 चुनाव को लेकर, अब वो यूपी की तरफ अपनी सक्रियता बढ़ाएंगी। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में आरएसएस के पदाधिकारियों की एक बैठक थी। इस बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ की देवा रोड से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजर रहा था। अचानक उनके काफिले की एक गाड़ी रास्ते में बने गड्ढे में अचानक फंस गई। इस रूट पर कई जगह गड्ढे हैं। सीएम का काफिला रुकते देख अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर स्थानीय प्रशासन के अलावा नगर निगम के बड़े और जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ऐसी व्यवस्था देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी नाराजगी जताई है। तो बता दें कि देवा रोड पर कार्यक्रम था, बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय बैठक थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल होने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आते वक्त उनका काफिला जो है एक गड्ढे में फंस गया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही सख्ती से नाराजगी जताई और तुरंत आदेश दिए कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं कि राजधानी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त बनाई जाएं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए अंदनी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल यानी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, जहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समन्वय में बैठक की जा रही है। वही रास्ते में मटियाई चौराहे के पास में अयोध्या जो है हाईवे मार्ग है, वहां पर एक गड्ढा था। उस गड्ढे में उनकी ब्रेक की गाड़ी फंस जाती है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुखिया नाराज होते हैं और नाराजगी के बाद कई अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। मामला वहां पर नहीं होता है, उसके बाद भी वहां पर कई अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब उस जगह की स्थिति का मुआयना किया जाता है तो वो जगह NHI के अंडर में आता है, यानी वहां डिपार्टमेंट का कहना है कि ऊपर गड्ढे थे और जहाँ पर जल भराव था वो जगह NHI की थी, और जो मटियारी से देवा रोड पर जहाँ पर कार्यक्रम होना था वो लोक निर्माण विभाग का रोड था। तो जिस तरीके से हाईवे रोड पर जिस तरीके से गड्ढा था और जल भराव था, उसको लेकर के मुख्यमंत्री नाराज हुए हैं। हालांकि इस मामले में लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, वहाँ के जो सुपरवाइजर है उनको निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि निलंबित कर दिया गया है कई अधिकारियों के, कौन कौन से वो अधिकारी ऐसे है? हाँ बिल्कुल नंदनी, मैं आपको बताऊं कि लखनऊ नगर निगम में जलकल विभाग के कुछ अधिकारियों को के ऊपर विभागीय कार्रवाई की गई है। सुपरवाइजर की अगर बात करें तो उसे निलंबित कर दिया गया है, और ZSO यानी जोनल जो अफसर है, जोनल अफसर को वहां से हटा दिया गया। हालांकि इस समय वहां पर ये सूचना पहले से दी जा चुकी थी कि यहाँ पर VVIP मूवमेंट है, तो उस जगह पर साफ सफाई व्यवस्था नहीं की गई थी, उस जगह पर जल भराव था उसकी निकासी नहीं की। मौके पर वहां पर ZSO पहुंचते हैं, सफाई निरीक्षक पहुंचते हैं और मौके पर वो खुद ही साफ सफाई करने लगते हैं। तो ये मामला दो दिन से पहले प्रोटोकॉल में नोट था कि आखिर यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और आरएसएस के बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, तो इस जगह पर आखिर साफ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं है, इसको लेकर के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ZSO को वहां से हटा दिया है और जो सुपरवाइजर है उसको निलंबित कर दिया गया है। ऐसे 10 कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई भी हुई और आगे भी बुधवार तक कुछ और अधिकारियों के ऊपर गाज गिर। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया, जिस तरीके से सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है और नाराजगी भी जताई है? देखिए प्रशासन की तरफ से अभी नगर आयुक्त ने जो वहां पर मौके पर जिन अधिकारियों को ड्यूटी थी, जो लोग इसमें संलिप्त थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनके जोन में ये एरिया आता है, यानी जोन 7 नगर निगम क्षेत्र में जोन 7 में एरिया आता है, वहां से ZSO को हटा दिया गया है। वहां पर जो सुपरवाइजर था उस सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है, और भी जलकर विभाग के जो कर्मचारी थे जल भराव की स्थिति थी उनको भी विभागीय कार्रवाई के ऊपर की गई है।
कुल मिला के मामला वहां पर जब कुछ जानकारी जानने की कोशिश की गई तो ये पता चला दो विभागों में सीमा विवाद का मामला था। कोई कह रहा था एनएचआई का है, बीडब्ल्यूडी विभाग कह रहा है एनएचआई की रोड है और एनएचआई कह रही कि वो हमारी रोड है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मठियारी चौराहे से लेकर के जहां पर कार्यक्रम था देवा रोड वो लोक निर्माण विभाग के अंदर में आता है और ये जहां पर ये गड्ढा था जहां पर मुख्यमंत्री की भेंट फंसी थी वो एनएचआई के अंदर में आता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की नाराजगी साफ देखने को मिली है। अब बुधवार को किन अधिकारियों पर घात गिरेगी तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिन अधिकारियों की संलिप्तता इसमें है उन पर कार्रवाई तय है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। तो बता दें कि देवा रोड पर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं पर उनका काफिला एक बड़े गड्ढे में फंस जाता है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए कई अधिकारियों पर गाज गिरने की बात भी कही जा रही है और सख्ती से कहा है कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद ऐसा देखा गया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी ने सक्रियता कम कर दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होती नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी की बसपा सुप्रीमो के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के लिए बातचीत की राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर दिखाई दे रही है। ये बात तो तय है कि अगर बसपा के साथ भी कांग्रेस गठबंधन में कामयाब होती है तो उसे सियासी मजबूती जरूर मिलेगी। वहीं अगर इस भूमिका में प्रियंका गांधी अहम रोल निभा पाती हैं तो उनकी राजनीतिक छवि में बड़ा इजाफा होगा। तो 2024 चुनाव नजदीक आ रहा है और सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं पर बताया जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी एक बार फिर से यूपी में सक्रिय हो जाएंगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी अपनी सक्रियता बढ़ाएंगी और यूपी में आने के बाद वो तमाम बड़ी मीटिंग भी करेंगी, पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश देंगी। देखें लगातार जिस तरीके से चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है पार्टियां अपनी अपनी अलग अलग रोड मैप तैयार कर रही हैं। इसी के बीच बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी एक बार फिर से यूपी में आएंगी और सक्रिय होते हुए नजर आएंगी। ये भी कहा जा रहा है कि बसपा के साथ गठबंधन के जो चर्चे हैं वो खूब तेजी से गलियारों में चल रहे हैं, सियासी गलियारों में। तो यानी कि अगर बसपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर एक बार फिर से मजबूत हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, बताया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी यूपी में एक बार फिर से सक्रिय होती नजर आएंगी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी को जिम्मेवारी मिली। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर में विधानसभा चुनाव हुए और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के तहत प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनावी माहौल को अपने तरफ करते हुए नजर आई, मगर इन्हें विफलता हासिल हुई। अब कांग्रेस को 403 विधानसभा सीटों में से महज 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। तो वही अब कांग्रेस पार्टी की इस करारी हार के बाद प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से नदारद नजर आई। उसी पर मैं अगर बात की जाए तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी लॉन्च करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि बात करें तो जहां एक तरफ इंडिया अलायंस बना हुआ उसके तमाम सदस्य पूरी तरह से एक बोली बोलते हुए नजर आ रहे हैं, प्रमुख मुद्दों पर एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की बड़ी प्रमुख दल में से एक बहुजन समाज पार्टी जो लगातार कहीं ना कहीं इंडिया और इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस से अपने आप को अलग गिनते हुए नजर आ रही है, तो रिश्तों को कहीं ना कहीं बनाने के लिए प्रियंका गांधी को कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में उतार सकती है और बसपा सुप्रीमो को अपने पाले में करने का एक प्रयास कर सकती है प्रियंका गांधी। वही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 5 सीटों को तय किया गया है, वहां पर पूरी तरह से सर्वे किया जा रहा है और माना जा रहा है कि वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में लोकसभा में नजर आ सकती है। और अगर बात करें तो इस चुनाव में प्रियंका गांधी पहली दफा कोई चुनाव लड़ेंगी और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कई जानकारी दी जा चुकी है। कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के उत्तर प्रदेश की कमान मिलने के बाद से वो प्रदेश के अलग अलग कोने में जाकर और कांग्रेस की छवि और साथ ही साथ जो खोई हुई जमीन है उसको वापस पाने की हर एक मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। 22 सीटों पर प्रमुखता से कांग्रेस काम कर
आ रही है और इंडिया गठबंधन के अंदर में अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी लगभग 20 से 25 सीटें पवित्र प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। विभाष जो देखिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस अब सक्रिय होने जा रही है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष बदले गए, अजय राय को बनाए गए, जैसा कि आपने भी बताया। अभी इसके बाद बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी आएंगी और बसपा से गठबंधन की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो रही है। तो क्या लगता है कि वाकई में गठबंधन हो जाएगा क्या कांग्रेस और बसपा में? बिल्कुल, ये तो आने वाला समय बताएगा मयूरी की गठबंधन होगा कि नहीं। मगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से अध्यक्ष को बदला गया, जो कि एक दलित समुदाय से आते हैं प्रहलाद साहब जी, उनको अध्यक्ष पद से हटाकर और एक अग्रे नेता के तौर पर अजय राय को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई, इससे साफ हो गया कि एक तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में दलित फैक्टर और बहुजन समाज पार्टी के अंदर दलित फैक्टर का एक कलेश देखने को मिला था, इसको दूरी करने की वजह बताएगी, जिसकी वजह से विशाल खाबी पर राजगिरी और उनके अध्यक्ष पद उन्होंने खो दिया। इससे साफ हो गया था कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी को अपने पाले में लाने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास आने वाले दिनों में करेगी। इसकी एक वजह प्रियंका गांधी नजर आ रही है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अगर सक्रिय होती है तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती के साथ मिलकर अलायंस मिलाने का हर एक मुमकिन प्रयास करेंगी। और अगर बात करें तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर में काफी सक्रिय रही है विधानसभा के अंदर में, और आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगी और 2024 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से मजबूत करेंगी। जी विभाषु, देखिए अगर सियासी गलियारों में बात की जाए तो इस समय महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं। वहीं अगर इसके पहले देखा जाए तो कांग्रेस ने पहले विधानसभा में 40% महिला उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। तो क्या कुछ लगता है कि महिला आरक्षण को जोड़ते हुए भी इस बार प्रियंका गांधी ऐसा कुछ कर सकती हैं क्या? बिल्कुल, प्रियंका गांधी ने जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एंट्री ली थी, उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हुए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा के तहत पिंक रेवोल्यूशन चलाया था। इसके अंदर में अगर बात की जाए तो प्रदेश की 403 सीटों में से 40% सीटों पर महिलाओं को उतारा गया था। इसमें कांग्रेस को कामयाबी हासिल नहीं हुई, मगर उस 35 को आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनाते हुए नजर आएगी, क्योंकि अगर बात करें तो महिलाओं को लेकर देश की राजनीति तेज हो गई है, महिलाओं की भागीदारी की बातें हर राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की कमान अजय राय के आने के बाद से अब कहीं ना कहीं एक तरफ वो पार्टी के मजबूत कर रहे हैं, पार्टी की खोई हुई जमीन को तलाश रहे हैं, तो प्रियंका गांधी जहां एक तरफ देखा जाए तो हिमाचल और कर्नाटक में मुख्य रूप से चुनावी भूमिका में नजर आई है, दोनों जगह सफलता हासिल हुई, उसके बाद से प्रियंका गांधी के भी हौसले बुलंद है और कांग्रेस के भी। और उत्तर प्रदेश के अंदर में प्रियंका गांधी आती है तो देखने वाली बात ये होगी कि वो अपने मंसूबे में कितना कामयाब होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि 2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना रोड मैप तैयार करने में लगी हुई हैं। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि मिशन 2024 को लेकर अब कांग्रेस की भी तैयारी की जा रही है, तैयारी बढ़ रही है। यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही हैं। एक बार फिर से प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय होने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस बार वो बसपा से गठबंधन कर सकती हैं, मायावती को मना सकती हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर कांग्रेस को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि संघ लोकसभा चुनाव से पहले हर गांव तक अपनी पहुंच बढ़ाने में जुट गया है, जिसके चलते आरएसएस की यूपी में सक्रियता बढ़ाने के लिए संघ के सर संचालक मोहन भागवत 22 से 25 सितंबर तक लखनऊ में प्रवास करेंगे, जिसमें वो अवध प्रांत के प्रचारकों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, साथ ही चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन भी करेंगे। आरएसएस की तैयारियों में यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने की है। इसी सिलसिले में लखनऊ में संघ और बीजेपी की 8 घंटे तक मैराथन बैठक चली। कल बीजेपी और संघ के 7 बाकी सहयोगियों के संगठनों की बैठक में फैसला हुआ कि आरएसएस का फोकस अब गांव तक दलितों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वहीं जनवरी में संभावित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सभी संगठन मिलकर गांव-गांव तक माहौल बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में शौर्य यात्रा निकालकर गांव तक हिंदुमय माहौल बनाने की तैयारी की जाएगी।
तो बता दें कि जैसे जैसे नजदीक चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे अब सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे और बताया जा रहा है इसी को लेकर 2024 का रोड मैप तैयार किया जाएगा बीजेपी के साथ मिलकर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुकी हैं। सुहानी, बताया जा रहा है कि 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार भी करेंगे, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी नंदनी, बता दें कि जिस तरह से देश में लोकसभा चुनाव के लेकर जो सियासी पारा तेज होते जा रहा है, वही बात की जाए जिस तरह से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में बात की जा रही है कि 24 तक हो सकती है, वहीं जिस तरह से देश भर में सनातन धर्म को लेकर पूरी चर्चाएं जो है इस विपक्ष जो उस पर ताना कसे कि सनातन धर्म को खत्म की जाए, अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि संचालक आरएसएस के जो संचालक मोहन भागवत हैं अब वो उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो उनका समन्वय बैठक होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इन तीनों मुद्दों को लेकर, चाहे वो लोकसभा चुनाव का हो, चाहे आप बात करें राम मंदिर का हो और चाहे सनातन धर्म पर जिस तरह से विपक्ष जो कटाच कर रही है, जिसको सनातन धर्म को पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रही है, क्योंकि अपने हाल में ही देखा किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म जो है एक नीच जात है और कहीं ना कहीं कई ऐसे नेता विपक्ष के हैं जो कि बात किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जिस तरह से कल बैठक हुई 19 तारीख को, जैसे 8 घंटे ये बैठक चली, उस बैठक में संघ के लेकर अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है मौजूद रहे, इसमें संघ के कई कार्यकारी जी मौजूद रहे और इस पर मंथन इस बात पे हुआ कि लोकसभा चुनाव के किन सीटों पर किस तरह से काम किया जाए, किन विषयों पर क्या जो है पे लक्ष्य लिया जाए, तो कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है, अभी विधानसभा चुनाव भी 5 राज्यों में होने वाला है, तो जिस तरह से बीजेपी अपना मंथन कर रही है सीटों पर, आपको बखूबी देख रही है कि अध्यक्षों को भी जिला जो अध्यक्ष है उनको भी बदलने की कोशिश किया जा रहा है, उनको अध्यक्षों को देखिए कहा जा रहा है कि संघ में महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ाई जाएगी, इसके पहले संघ कभी इस तरीके के फैसले नहीं लिए थे, तो क्या कुछ लगता है महिलाओं को किन 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 जिम्मेदारियों से संघ में रखा जा सकता है और क्या क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए नंदिनी, जिस तरह से आप हाल में ही देखा किस तरह से 33% जो है अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो बात पेश कर दी गई है, लेकिन अभी जो इसका परिसीमन और जातिगढ़ के बाद भी अब ये जो लोकसभा और विधानसभा में लागू हो सकता है, लेकिन बात की जाए कि अब इसमें भी भागीदारी महिलाओं की बढ़ाने की बात करिए तो ये बहुत अच्छी एक पहल जो है बीजेपी करने जा रही है, क्योंकि कहीं कहा आरएसएस भी साफ तौर पर जो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ देती है और साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जब भागीदारी महिलाओं के बढ़े तो कहीं ना कहीं जो छोटी जनजातियों के जो महिलाएं जो गांव की जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सही होगा कि वो अपनी जो चीजें हैं वो खुल के रख सकती हैं और कहीं ना कहीं पार्टी में आने से जो जनजाति जो छोटे महिलाओं की जाती हैं वो अपनी बातों को सही से रख पाएंगे, जो कि पूरा जो कि कहा जाता है कि डायरेक्ट सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी जो है पहल है और उनके लिए बहुत अच्छी खबर भी है, क्योंकि साथ में देख सकती जिस तरह से संसद में जो 33% जो आरक्षण की बात की जा रही है, पूरे देश भर में महिलाएं इस खबर से खुश है, कहीं ना कहीं उसका जश्न भी मना आ रही है, लेकिन ये बात इस पे सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो महिलाएं हैं उनका ये जो आरक्षण है वो लागू क्यों नहीं किया जा रहा, लागू परिसीमन और जाति गणना के बाद ही होगा, लेकिन अब आरएसएस में जिस तरह से महिलाओं का बढ़ावा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी अच्छी पहल है लोकसभा चुनाव से पहले, तो कहा जा रहा है कि जो छोटे जनजाति जो गाँव की महिलाएं हैं वो अपनी चीजें सही से नहीं रख पाती हैं, वो अपनी बातें सही से नहीं कर पाती, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी पहल है और इसको बता दें कि नंदिनी आपको इसके लिए वो 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक एक यात्रा निकालेंगे और उन यात्रा में कई ऐसी चीजें के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इन यात्राओं में बता दें कि लोकसभा चुनाव से लेकर जो योगी सरकार और मोदी सरकार जो काम है वो जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जी, देखिए आरएसएस जो मीटिंग हुई है बीजेपी और आरएसएस की, उसमें बताया जा रहा है कि दलितों पर इस बार ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो क्या कुछ लगता है कि दलितों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं क्या? देखिए नंदिनी, बीजेपी जो है सिर्फ चुनाव आने पर ही नहीं दलित या पिछड़ों या अल्पसंख्यक की बात करती है, अब बखूबी देखी होंगी कि जो बीजेपी सरकार है हर साथ में, चाहे वो चुनाव हो या जो नॉर्मल हो, का हर टाइम जो है वो बीजेपी अपने जो जितने भी अब जनता होती है उनके साथ रहती है चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो अब बखूबी देख रही हर पार्टी जो है अपने वोट बैंक साधने के लिए, सीट को साधने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है, बात की जाए अल्पसंख्यक और पिछड़े जाति को तो बखूबी देख रही
है कि हर जगह जो है हर पार्टी इस पे अपनी सीट साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात की जाए पिछड़ों के अल्पसंख्यकों की तो कहीं ना कहीं ये मेन मुद्दा बनता है, क्योंकि यूपी की बात करें यूपी में 80 लोकसभा सीट है और पूरी तरह से जब कहा जाता है कि केंद्र का जो रास्ता होता है कहीं ना कहीं यूपी से बंद कर जाता है, तो इसलिए बीजेपी जो है पूरी तरह से अल्पसंख्यक जो काम पूरा नहीं हो पाया, जो प्रगति पर नहीं है अल्पसंख्यक जो पिछड़ा जाति उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए अब बीजेपी जो पिछड़ों की पूरी तरह से सहायता करिए, क्योंकि पिछले बार भी आप देखिए चुनाव में 2019 का चुनाव देख लीजिए किस तरह जो पिछड़ा है लोकसभा चुनाव जो बीजेपी को पूरी तरह से वो अपना वोट दी थी, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी अब पूरी तरह से जो पिछड़ों जाति को अग्रसर करने के लिए ये कहे कि उसे बढ़ावा देने के लिए अब इस सीटों पर मंथन कर रही है, उन चीजों पर खुद जाकर देख रही है कि आखिर उन चीजों की किस चीज का कमी है और फिर उस पर मंथन भी कर रही है, तो कहीं ना कहा जा रहा है कि आरएसएस जो अब है उत्तर प्रदेश में मंथन करेगी अपनी सीटों को बढ़ावा देगी और ये सबसे बड़ा जो है बीजेपी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव भी इस बार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कठिन है। तो जिस तरह से और कौन कौन से ऐसे प्रमुख एजेंडे बनाए जा सकते हैं जो 2024 लोकसभा में उन्हें फायदा पहुंचाए। देखिए मयूरी जिस तरह नन्नी जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक एक कदम जो है फूक फूक कर देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष जो इंडिया टीम अपने 26 दलों का 28 दलों के साथ उतर रही है और वो भी अपने एक एक चीज अपनी एक एक गलतियों पर अपना नजर रख रही है, वो भी अपने सीटों पर मंथन कर रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव बहुत बड़ा एक जो टक्कर का हो सकता है, तो इसलिए जो बीजेपी बात करे योगी आदित्यनाथ की तो वो अपने हमेशा जो कहा जाता है 365 दिन चुनावी मोड में हैं और अपने अलग अलग रणनीतियों के साथ जो है अपने विपक्षों को मात देते हैं और वहीं दौरा भी करते हैं और तमाम जैसे जगह पे उनके दौरे के लिए उनको कहीं ना कहीं प्रचार प्रसारकों के नाम लिस्ट आता है, लेकिन बात की जब आरएसएस और बीजेपी की जो बैठक है उन बैठकों में तमाम ऐसी सीटों पर मंथन करने के लिए बात की जा रही है, नई नई रणनीतियों के साथ उतरने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं चुनाव में कम ही समय बचा हुआ है और सभी पार्टी जो अपनी अलग अलग रणनीतियों के साथ अपनी सीटों पर मंथन कर रही है, अपने जो नेता है उनको उनको बदलकर नए चेहरों को दी जा रही है, तो कहा जा रहा है कि जहां पे अच्छे सही से सीट जो है बीजेपी को नहीं मिल पाई है जिन चीजों पर उनका जीत नहीं हो पाई है, आपने हाल में ही देखा किस तरह से घोषित चुनाव की बात की जाए तो वहां पे तो उन सब चीजों पर जो बीजेपी है अब कड़ी मशक्कत करके अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और उन जगहों पर नए चेहरों का जो जगह दे रही है, तो कहीं ना कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी पूरी अलग रणनीतियों के साथ इस बार बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव में उतरेगी और इन्हीं सब चीजों के लिए मंथन जो है कल बता दें आपको कल 9 घंटे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। तो बता दें कि 2024 चुनाव को लेकर आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग हुई है, समन्वय बैठक में तमाम ऐसे एजेंडे बताए गए हैं और तमाम ऐसी रोडमैप तैयार किए गए हैं जिससे आखिरकार दलितों को लेकर और महिलाओं को लेकर इस बार सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है, हर पार्टियां इसी पर जोर देने की बात कह रही हैं। वहीं अब बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ दौरे पर रहेंगे 3 दिवसीय, जिसमें भी 2024 चुनाव को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा। वही सहारनपुर जिला बुखार से करा रहा है, वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि एक ही बेड पर 2 से 3 मरीजों को लिटाया जा रहा है, यहां तक कि जिला अस्पताल की गैलरी में जो बेंच पड़ी है उन पर भी मरीज लेटे हुए नजर आ रहे हैं। मरीज के तीमारदारों का कहना है कि एक बेड पर कई मरीज होने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सहारनपुर से देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नजम जुड़ चुके हैं। नजम, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सहारनपुर में देखने को मिल रही है, बताया जा रहा है कि एक ही बेड पर 2-3 मरीज लेटाए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? नंदी, मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बाकी सामने आ रही है। एक बेड पे 6 से 3 के 4 आदमी बैठे हुए हैं और आपको बता दूं कि जो गैलरी है गैलरी के अंदर भी मरीजों को लेटाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक बेड पे अगर 4 आदमी लेटेंगे तो इंफेक्शन किसी ना किसी से दूसरों को फैलेगा। जी नजम, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि बुखार का लगातार जो है कहर जारी है सहारनपुर में, तो स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ निर्देश भी दिए हैं? देखिए, मैं आपको बता, जब पीएमओ से हमने बात करना चाहे इस बारे में कि स्वास्थ्य की बुखार का कहर जहाँ से ज्यादा है और एक तो मौत भी हो चुकी है, लेकिन सीएमओ ने कहा कि हम लोग दवाई छिड़कवा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं और मरीजों की जो है ना स्वास्थ्य के लिए जो है ना अलग से कैंप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, अब आपको उसमें
तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बेड पे 6-7 आदमी लेटे हुए हैं, कहीं भी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था में आ चुका है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि लचर स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था है, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है क्या? बिल्कुल नहीं की जा रही नन्नी, मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकारी अस्पताल सहारनपुर के अंदर मौजूद है, एसबीडी हॉस्पिटल मौजूद है, गरीब आदमी कहां जाएगा तो जाएगा कहां, सरकारी अस्पताल के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ना छाप डॉक्टरों के लिए भी है, जो गरीब लोग हैं जो ना छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ रहे हैं, जहाँ पे मौतें होती है, और गरीब आदमी अगर किसी प्राइवेट में जाए तो वहाँ पे 500 रुपए की फीस होती है, फीस होने के बाद भी उनको घंटों लाइन में लगना पड़ता है। प्राइवेट जो लोग हैं वो लोगों की जेब में डाका डाल रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी जाए तो जहाँ गरीब आदमी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक एक बेड पर 6-7 आदमी लेटे हैं, तो गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाएगा, लेकिन सरकारी अस्पताल के अंदर बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, सुविधा के नाम पे जीरो है। जी नजम, बताया जा रहा है कि सहारनपुर में बुखार से बहुत ही ज्यादा मौतें हो रही है, तो अभी तक कितनी मौतें हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग आखिरकार कब तक जागेगा? जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग से जब हमने जानना चाहा, सीएमओ से जानना चाहा कि सहारनपुर के अंदर बुखार से कितनी मौतें हो चुकी है, तो सीएमओ ने इस बात से जानने से मना कर दिया है, कुछ भी देने से मना कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हमारी टीम ने जाके गांव-गांव के अंदर सर्वे किया है, तो पता लगा कि यहाँ से 10-12 मौतें स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लापरवाह, 10-12 मौतें बुखार से हो चुकी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नजम। तो खबर सहारनपुर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लगातार बुखार की चपेट में आए इस दिन वहां पर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।